हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी फैशन हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैंने वीडियो डाली है लहंगे की आप सबको लोग पसंद आई होगी। तो आज एक और लहंगा वीडियो लेके आई हूँ, जैसा कि नवरात्रि आने वाली है उसके अकॉर्डिंग ये देखिए टाइटल में आप समझ भी गए होंगे। ड्यूअल कलर फैब्रिक से ये बनेगा और ये कपड़ा है लगभग 4-8 मीटर के लगभग फैब्रिक है ये मेरे पास, ठीक है। तो इसको साइड कर देती हूँ, इसमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी वाली लेस की, ठीक है, ये भी साइड कर देती हूँ और इसकी ड्रॉइंग हम समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कली पैटर्न है इसमें, लेकिन कली नहीं कटी हुई है, सिर्फ पैटर्न कली वाला है और साथ साथ चुन्नटे भी आपको दिखाई दे रही होंगी जो लहंगे की फोटो है उसमें, तो सेम वैसा ही हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 6 और 6, 12 कली भी लगा सकते हो आप, 14 कली भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ 14 कलियां मतलब 14 पैनल लगाऊंगी, तो 14 पैनल 7 प्लेन वाले लगाऊंगी और 7 डिजाइन वाले लगाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे लहंगे की टोटल लंबाई है वो 39 इंच है, ठीक है, जिसमें से 2 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी और 8 इंच नीचे हम ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही ना नीचे डबल कलर की, ये लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल 10 इंच हो गई, तो 39 है और 1 इंच हम फोल्ड का भी दे देते 40, तो 40 में से हम 10 घटा देंगे, 2 बेल्ट का ये 8, तो 30 इंच की हम कलियां कट करेंगे, जो ये पैनल कट करेंगे ना, पट्टियां कली तो नहीं बोलेंगे, पट्टी कट करेंगे 30 इंच की करेंगे। और जो हमारी बेल्ट है वो 34 इंच है, तो 34 में कमर जो हमारी है वो 34 इंच है ना, आप जान लो। तो लंबाई है 39 इंच, कमर है 34 इंच, तो 34 में हम 10 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो 11, तो 11 इंच, ठीक है, बेल्ट का हमारा जो हो गया 11 इंच हो गया, ठीक है। 44 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, 34 में 10 ऐड कर लो, जितनी आपकी कमर है उसमें 10 इंच ऐड कर लो, अगर आप नाड़े वाला इलास्टिक वाला बना रहे हो तो। सेम यही करूंगी मैं, भाग देने की अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पैनल तो सीधे कट होंगे। तो ये देखिए 34 और 10 44, तो 44 इंच का हमें कमर चाहिए अपना रेडी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं प्लेन कपड़े को बिछा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने कपड़े को देख सकते हो आप नॉर्मली डबल फोल्ड कर लिया, जैसे हम कुर्ती कट करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके पैनल निकालेंगे, तो पैनल की चौड़ाई आपको सीधा क्या याद रखना है, जितना आपका ये चौड़ाई है ना अरज की, इसको डबल किया, ये देखिए ये डबल में जितनी है ना, किसी की 20 हो 21 हो 22 हो, यहाँ मेरी 21 इंच है, मैं इस पूरी चौड़ाई को ले लूंगी जितनी की जितनी है, और लंबाई का निशान हम यहाँ से लगाएंगे, तो लंबाई हमारी कितनी लगेगी 30 इंच, ठीक है, क्योंकि 8 इंच का हमारा ऊपर नीचे का जो जोड़ हो रहा है वो हो रहा है 30 इंच, और 1-1 इंच सिलाई में जाएगा तो 31 इंच, ठीक है। 31 इंच में यहाँ पे निशान लगाऊंगी और 31 इंच में यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ठीक है, ये देखिए, और इसको मैं कट कर लूंगी, ठीक है। ये हमारे 2 पैनल निकल गए, देखो ये जुड़ा हुआ है 20 से, इसको हम कट कर देंगे तो ये 2 पैनल बन जाएंगे हमारे, ठीक है, ये देखिए, ये देखो, ठीक है, 2 पैनल बन गए, ठीक है। यहां से भी इनको कट कर लूंगी मैं, अगर कपड़ा सी दे में है तो आप इसको फाड़ भी सकते हो, ये देखिए ऐसे करते हुए, ये 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इस कपड़े को हम आगे बढ़ाएंगे जो हमने बिछाया हुआ था, सेम फिर 2 और निकाल लेंगे हम, ठीक है, सेम फिर 2 और निकाल लेंगे हम, एक कपड़े को हम इस पे बिछाएंगे इसी को और इसी के नाप से हम काट लेंगे, ठीक है। आप 4 फोल्ड करके भी कपड़े को काट सकते हो, तो 4 एक बार निकल जाएंगे और 4 एक बार ऐसे करके भी आप काट सकते थे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैं फिर से काट लूंगी तो 2 निकल गए, ठीक है, ठीक है। अगर आपको 16 कली का बनाना है तो आप 4 तय कर लेते और निकल जाते, ठीक है। फिर हम कपड़े को रखेंगे ऐसे ही, 4 हो गई थी, 2 और फिर निकलेंगी, ऐसे करते करते आपने 7 पीस इसके कट कर लेने हैं। अगर आप 16 का बना रहे हो तो 8 कट कर लें, मैं यहाँ 14 का बना रही हूँ तो 7, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का बनाना है। ये देखिए, ठीक है, 6 हो गई हमारे पास, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये कपड़ा मेरे पास ज्यादा है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि खत्म नहीं हो रहा है, एक पैनल मेरा ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए, ये मेरे पूरे पैनल कट हो गए, अब मैं इसको 12 कली का बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है, 6 हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम साइड कर देते हैं, जो बीच के हिस्से थे सबको काट लेना है आपको, ठीक है। ये देखिए, जो ये थे ना, सबको आपको कट कर लेना है, ठीक है, मैं इन सबको अलग करूंगी, ठीक है। अब इसको साइड कर देते हैं, सेम दूसरा फैब्रिक है उसको भी हम ऐसे ही बिछाएंगे, ठीक है, ये देखिए, उसको भी आप ऐसे करके बिछा लो,
और रॉन्ग साइड भी बिछा सकते हो, राइट साइड भी। और पूरा देखना वीडियो को, स्किप करके मत देखना, ठीक है ना। ये देखो, जैसे कि इसको मैं नाप लेती हूँ, इतना है, ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम उतना ही कट करेंगे। आपको चाहिए तो आप येलो वाला इसके ऊपर रख लो और कट कर लो, ठीक है ना। ये देखो, एक येलो वाला ले लो और इसको बिछा लो और आप कट कर लो। ये चार फोल्ड में कपड़ा बिछाया तो चार पैनल निकल जाएंगे हमारे, है ना। ये देखिए, अभी भी फ्रेंड्स ये ज्यादा है, इसको मैं कम कर लेती हूँ। एकदम नाप के करना है क्योंकि हमें कपड़े का पॉइंट पॉइंट का ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है, ये देखो ऐसे करके मैंने इसको बिछाया। और अब जब ये इक्वल आ जाएगा तो हम इसको कट कर लेंगे। जैसे ही ये इक्वल आएगा इसको हम कट कर लेंगे। देखिए अभी इक्वल आ गया मान लीजिए, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा इक्वल है, ठीक है ना। तो चार कट हो गई, दो आगे से निकल जाएंगी, छह इसमें से भी निकल जाएंगी, तो टोटल 12 पैनल हो गए हमारे। ये देखिए, ठीक है, चार हो गई ये। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चार हो गई। आप इसमें 16, 18 अपने अकॉर्डिंग घेर जितने पैनल कट करके लगाना चाहो ना उतने लगा सकते हो, बट मेरे को 12 ही लगाने थे, ठीक है। ये देखिए चार हो गई। अब इनको फिर दो को मैं और काट लूंगी, रख के नीचे फिर से हम दो काट लेंगे। इसी को बिछा लो इसके ऊपर, कट गई। अब जो ये कपड़ा बचा है ना नीचे, ये हमारा काम आएगा नीचे जो घेरा बनेगा ना उसमें लगाने में, पट्टियां लगाने में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 6 की 6 कट हो गई। और जो बंद भाग है ना इसको आपको कट करके खोल लेना है, कट कर लेना है। ये देखिए 2, 2 4 और 2 6 हमारी ये हो गई और 6 हमारी ये हो गई। अब हमें क्या करना है, इनको एक दूसरे के ऊपर बिछाना है एकदम इक्वल करके। ये देखिए, ठीक है, एकदम एक साथ करके पहले आप इनको बिछाओगे एक दूसरे के ऊपर। और क्यों बिछाना है ये मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। पहले मैं इनको एक जैसा करके बिछा लूंगी। ये देखिए, ठीक है, ये हमने इक्वल करके एक दूसरे के ऊपर बिछा लिए। अब जो नीचे का हिस्सा आएगा ना, मैं इस साइड से आपको दिखा देती हूँ, यहां से आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, इसका हमें सेंटर लेना है। ये देखो 21 है, 21.5, तो 21.5 का आधा कितना हो गया, 11.25। ठीक है, अब 11.25 का हमने सेंटर लेना है। और क्या करना है, ये देखिए 2 इंच तो हमने इधर से ऊपर जाना है, 2.25 इंच, और 2.25 इंच हमने इधर से ऊपर जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि सारा कपड़ा आपका इक्वल होना चाहिए, टोटल फैब्रिक आपका इक्वल होना जरूरी है। बस नीचे से ना, ये देखिए हो गया। और इधर से भी हम 2.5 इंच के लगभग ऊपर जाएंगे, ठीक है। सेम सेम हमने ऊपर जाना है। अब यहां से हम हल्का सा इसको मिला देंगे, ठीक है ना। और इसके निचले हिस्से की हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स, हो गया। तो अब इसका पहले हम इनको जोड़ेंगे कैसे, ये देख लेते हैं, स्टिचिंग शुरू करेंगे। बेल्ट वेल्ट हम बाद में काटेंगे सब, ठीक है। ये देखो मैं इसको हटा देती हूँ। एक हिस्सा हम प्लेन का लेंगे और एक हिस्सा हम प्रिंटेड का लेंगे। सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे एक दूसरे को। ये देखिए ऐसे सिलाई मारेंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे में फिर सेम, एक हिस्सा प्रिंटेड का, एक हिस्सा प्लेन का, ठीक है। एक हिस्सा प्रिंटेड का, एक हिस्सा प्लेन का, ये देखिए। और एक दूसरे से हम इनको जोड़ेंगे, सबको ऐसे ही जोड़ लेना है। तो चलिए मैं सारी जोड़ लेती हूँ। आई होप समझ आ गया होगा कि आप एक प्रिंटेड एक प्लेन लेके सबसे पहले इसको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं जोड़ के दिखाऊंगी। सारे पैनल मैंने जोड़ लिए हैं एक दूसरे से, आप देख सकते हो ना, ऐसे करके ऐसे करके। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब इसमें प्लेटें डालनी है ऊपर, वो कैसे डालनी है मैं ये आपको वहीं पे बताऊंगी, ठीक है। उससे चलिए, ये देखिए गाइस, ये देखो मैंने सीधा तरफ से लहंगे को रखा है, ठीक है। और ये बहुत वजनदार है इसलिए बार बार फिसलेगा। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए 1/2 इंच के लगभग तो हम मशीन को ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है।
ठीक है, जो हमेशा चलाते, एक एक इंच चौड़ी हमने प्लेटें डालनी है, और ये पेचकस से नहीं डालनी, ये अपने हाथ से ही डालनी है। ठीक है, ये देखिए, देखिए ठीक है, एक एक इंच चौड़ी हम प्लेटें डाल रहे हैं, ऐसे करके आपने सारी डाल लेनी है, ये देखिए। ठीक है, ऐसे करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हमने प्लेटें डालनी है। ठीक है, ये देखो, आप देख सकते हो, एकदम ज्यादा छोटी छोटी नहीं डाल रही हूं मैं, आप देख सकते हो एक एक इंच चौड़ी प्लेटें डालनी है। ठीक है, और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर करके हमने प्लेटें डालनी है। एक जो जो ये एक पैनल है ना हमारा, वो कितना रह जाना चाहिए, 12 है, तो 3.5 इंच के लगभग रह जाना चाहिए। ठीक है, 3.5 से 4.25 इंच का एक पैनल रह जाना चाहिए, इस तरह से हमने प्लेटें डालनी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे प्लेटें डालते हैं, एक बार मैं आपको ना दूसरी तरफ से बताती हूँ, इधर से मेरा हाथ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, उस साइड से ना मेरा हाथ ठीक नहीं चल रहा था, ये देखिए 1/2 इंच से 1.25 इंच के लगभग तो हम सीधे आ गए। उसके बाद देखो इतनी चौड़ी चौड़ी प्लेट है, और एक दूसरे के ऊपर करके डालनी हमने बिल्कुल ना, ये देखिए ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखो एक दूसरे के ऊपर, छोटी छोटी प्लेटें नहीं डालनी है कि भाई हमने छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, ये देखो एक दूसरे के अंदर जाते हुए प्लेटें ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये देखो, और जो कपड़ा जहां का है ना वो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे कपड़े के ऊपर वो फैब्रिक नहीं आना चाहिए। और प्लेटें डालोगे ना तो ये चीज याद रखना, ये देखो 3.5 से 4.25 इंच मेरा ये बचना चाहिए। ठीक है, एक हिस्सा देखो मेरा बच रहा है 1 इंच वो छोड़ के। ठीक है, क्योंकि मेरी कमर 44 इंच की है और 12 कली है। ठीक है ना, तो 44 इंच मतलब टोटल हमारा 44 इंच रह जाना चाहिए, जितनी आपकी वेस्ट है प्लेट डालते हुए टोटल उतना रह जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला डालना है, आगे प्लेटें ऐसे ही, ये देखो, देखो, देखिए ऐसे, कई कई प्लेटें एक साथ पकड़ो आप और एक दूसरे को ऐसे, देखिए ऐसे करते हुए। अगर मैं पूरी करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो देखो ऐसे करते हुए हमने प्लेट डाल लेनी है। मैंने दो पैनल में आपको डाल के दिखा दी, दो टुकड़ों में, कि मैंने कैसे डाली है, ये देखो। बस सारी प्लेटें हमने ऐसे ही डाल लेनी है, नेक्स्ट भी के कपड़े की भी और ये भी। तो चलिए मैं एक बार ये पूरी प्लेटें डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, टोटली प्लेट मैंने डाल ली है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये प्लेटें डल गई और मेरा 44 इंच आ गया टोटल। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ और ये देखिए, अब मैंने 4.5 इंच चौड़ी और 44 इंच लंबी एक पट्टी ली है। ठीक है, और ये मैंने प्रिंटेड ली है, आप प्लेन भी लगा सकते हो आपका जिसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसकी चौड़ाई आपको 4.5 इंच ही रखनी है। ठीक है, उससे कम नहीं रखनी है, ज्यादा रख सकते हो 5 इंच पर, कम नहीं रखनी है। अब इसको लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मगजी में ही लगेगी ऊपर, उसी में मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखो, ये हमारा उल्टी तरफ वाला हिस्सा है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये देखो हम ना साइड साइड से इसको फोल्ड भी करेंगे पट्टी को, क्योंकि हम नाड़ा डाल लेंगे तो इधर से जो ये खुला हिस्सा है इसको हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम नाड़े का करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, इधर से भी कर लेंगे और इधर से भी कर लेंगे, दोनों साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये मैंने जोड़ लगाया था, तो जोड़ वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट करके हटा रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इधर से भी इसको फोल्ड करूंगी थोड़ा थोड़ा, पतली किनारी, ये देखिए। अब इसको हम लगाएंगे, तो लगाने के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम मगजी कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है उल्टा हिस्सा, ठीक है ना, उसका लहंगे का, और ये पट्टी का सीधा हिस्सा है जो अंदर रहेगा, और पट्टी का उल्टा हिस्सा ऊपर रहेगा। ठीक है, और अब हम ये देखिए, अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे, ये देखो, हाफ हाफ इंच का दबाव देते हुए ना हम पट्टी को खींचेंगे और ना ही लहंगे वाले घेरे को खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए, एकदम आराम से ऐसे करते हुए हम इसको लगा लेंगे। आप चाहो तो इसके साथ कोड़ी वाली लेस इसके ऊपर लगा सकते हो, मैं लगाऊंगी अभी, मेरी लेस थोड़ा मार्केट गए हुए है ना, जो लेने वो अभी तक आई नहीं है, मेरे पास लेस कम है,
तो शायद जब तक मैं बनाऊंगी जब तक आ जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। बस इसको सीधा सीधा ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, सिलाई मार लेंगे, जो ये एक्स्ट्रा धागे निकले हैं इनको हम हटाते रहेंगे। बस खींचने का ध्यान रखना है आपने। ये देखिए फ्रेंड्स, लगा दी हमने पट्टी, अब हम इसको सीधी तरफ ऐसे लेके आएंगे। ये देखिए बहुत भारी है इसलिए ना इसको मैं हटा के ही दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये सीधी तरफ आ गए हम, अब इसको ऐसे करेंगे और ये देखिए फोल्ड करते हुए यहां से हम सिलाई लगा देंगे। ये आपके ऊपर की बेल्ट रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे करते हुए पूरे में बस खींचना नहीं है आपने, एक ही ध्यान रखना है कि कपड़ा नहीं खींचना है। ऐसे करते हुए पूरे में हम स्टिचिंग कर दें। ये देखिए ये मेरी मगजी लग के रेडी हो गई, आप देख सकते हो। इसको मैं दो बार आगे पीछे करूंगी और इसको निकाल लूंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैं आपको फैला के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे लगी है, ठीक है, इस तरह से लग गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए ये मेरे पास है ये लेस कोड़ी वाली, ठीक है। अब इसको हम लगाएंगे, तो इसको तो आपको सिंपली लगाना है। ये देखिए यहाँ पे आप रखिए और थोड़ा सा हाफ इंच फोल्ड करते हुए ये देखिए बस इसके सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कोड़ी ना आए, टूट ना जाए आपकी सुई। और ऐसे करते करते हमने पूरे में ये लेस लगा दी है, तो ये लेस ऐसे करके हम चलिए पूरे में मगजी पे लगा देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ना, नाड़े की डोरी मैंने लगा ली है ऊपर ना बेल्ट, और ये लेस भी मैंने लगा दी है, ठीक है। इतना काम हो गया, अब हमें नीचे का क्या करना है। देखिए नीचे का आप क्या करोगे ना, सबसे पहला काम ये देखिए हमने ऐसे कर्व में कट किया हुआ है, इसको हम सिंगल फोल्ड में ऐसे करते हुए पूरे में एक एक सिलाई लगा लेंगे सारे में, ऐसे सिंगल फोल्ड करते हुए, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए फोल्ड फोल्ड करते हुए सिंगल फोल्ड करते हुए पूरे में हम एक बार सिलाई लगा लेंगे सिंगल में ही, फिर बताऊंगी कि आगे कपड़ा कैसे अटैच करना है। और ये उल्टी साइड में फोल्ड करा रही हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मैंने लगा ली है और ये मोटी बखिया करके हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि बाद में हमें इसको खोलना पड़ेगा, पूरे में ही लगा लेनी है। मैं इसको साइड कर देती हूँ और जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको ले लेती हूँ। अब हमने कलियां कितनी लगाई थी, 12, ठीक है। तो हमें 12 ही पीस काटने हैं, कितने जितनी चौड़ी हमने कलियां काट मतलब पैनल काटे थे, टुकड़े काटे थे, उतने ही तो हमने चौड़ाई रखनी है ऐसे। और जो इसकी लंबाई है हमने 8 इंच के नीचे लगानी थी ना, ये तो 2 इंच का हमने कर्व दिया था, तो इसलिए हम इसको 10 इंच काटेंगे। 10 इंच चौड़ी, 6 पट्टियां ये और 6 पट्टियां ये काट लेनी है, क्यों, क्योंकि हम इसके नीचे बॉर्डर में लगाएंगे 10-10। अगर आपने सेम पट्टी अंदर भी फोल्ड करनी है तो फिर आपको पट्टी डबल काटनी पड़ेगी। मैं यहाँ सेम पट्टी फोल्ड नहीं कर रही हूँ इसलिए डबल नहीं काट रही हूँ। तो जितनी चौड़ी हमने ली थी ना ऊपर से टुकड़े, ये देखिए चौड़ाई तो उतनी ही रख लेनी है, और जो लंबाई है उसको हम रखेंगे 10 इंच। जितने इंच की आपने गोलाई दी है ना उससे 2 इंच ज्यादा, मतलब जितने इंच की आपने गोलाई दी है उतने ही बढ़ा के रखनी है पट्टी। तो 8 तो हमें रखनी ही रखनी तैयार होने के लिए, तो हम यहाँ पे 10 इंच रख रहे हैं एक पट्टी की लंबाई, ठीक है। और पट्टियां हमने अलग अलग ही काटनी पड़ेंगी, क्योंकि हम मिक्स करके पट्टी लगाएंगे दोनों कलर, जैसे ऊपर दोनों कलर लगे हैं ऐसे। ये देखिए एक पट्टी कट गई, सेम ऐसे ही दूसरी काट लेंगे। इसको रखते रहिए और बस काटते रहिए आप ना, तो पट्टी काटने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एक दूसरे के ऊपर रख रख के हमने ये देखिए 2, ठीक है, 4 हो गई ना हमारी, 2 ये है, डबल फोल्ड है कपड़ा, तो 2 और 2 4 और 2 और काटेंगे हम इसमें से, अब है ना। तो ये देखिए 6 हो जाएंगे फिर, ठीक है। देखिए एक को हटा देती हूँ और थोड़ा जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको निकाल देंगे हम, ठीक है। ये देखिए 6 पट्टियां हमारी निकल गई, अब इसकी भी हम 6 ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसकी भी मैं पट्टी एक बार निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 पट्टियां हमारी कट गई हैं, ठीक है, ये रही, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए जो एक हिस्सा है जो प्रिंटेड है, तो पहली पट्टी हमारी प्लेन आएगी, क्योंकि जो प्रिंटेड है उसके नीचे हम प्लेन लगाएंगे, जो प्लेन है उसके नीचे हम प्रिंटेड लगाएंगे।
तो देखिए इनको अब जोड़ेंगे कैसे, बस यही आपको बताना था। ये देखो जो हमारी ये प्लेन है, पहली पट्टी हम प्लेन लेंगे। अगर आपके लहंगे में पहली पट्टी प्लेन होता तो प्लेयर तो आप यहाँ पे प्रिंटेड लेते, ठीक है। तो पहली पट्टी हम प्लेन लेंगे, फिर दूसरी हम प्रिंटेड लेंगे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम प्लेन लेंगे, ठीक है, ये देखिए, और फिर जोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रिंटेड लेंगे और फिर जोड़ देंगे। ऐसे करते करते हमने एक दूसरे से इनको जोड़ लेना है। तो चलिए एक बार इनको जोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रेंड्स पट्टियां मैंने जोड़ लिया, आप देख सकते हो, ये देखिए, है ना, ये पट्टी हमने ऐसे ही करके जोड़ लेनी है, ठीक है। अब एक साइड जो हमारी है वहां से लेनी है हमने प्लेन साइड से पट्टी अपनी, और उसको पहले ऐसे नीचे बिछा लेना है सीधा करके, ये देखिए, ठीक है। और जो हमारा लहंगा जो था ना, हमारे लहंगे का स्टार्टअप, वो मैंने लेना है, ये देखिए, और ये देखो इसको बिछाना कैसे है, ये देखिए ऐसे करते हुए, ठीक है, ये देखो ऐसे, बस ऐसे करते हुए हम इसको बिछा लेंगे, देखिए, और एकदम हाफ हाफ इंच की किनारी पे हमने करके रखना है इसको ऐसे, ठीक है। चाहिए तो ये यहाँ पे पिन आती है ना, जो ऑल पिन्स, आप उससे इसको सेट कर सकते हो एक एक हिस्से को, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके। और कपड़ा आपको ज्यादा लग रहा है कि ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो आप इसको हाथ से ऐसे कर ले, बट 2 इंच के लगभग तो ये बीच से जाएगा, क्योंकि बीच से तो हमारा उतना ही है और साइड से हमने कम किया है ना। तो ये देखिए पहला हम निशान है ना, जो यहाँ पे लगाएंगे, निशान मीन्स ये, ठीक है, पिन, ये देखिए, ठीक है, एक बीच में लगा दो, ये हो गया ऐसे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला स्टेप लेंगे, ठीक है, ये देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप अपना, फिर वैसे ही हम पिन लगाएंगे, देखिए, ठीक। तो बस ऐसे ऐसे करके आप सेटिंग कर करके पिन लगा लेना, ठीक है, ये देखो। बस नीचे के कपड़े का आपने ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा कपड़ा अंदर ना जाए, ये देखिए, ज्यादा पिन से सेट कर पा रहे हो ज्यादा से कर लो, बिना पिन के कर पा रहे हो बिना पिन के, बट बिना पिन के नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सेफ्टी ऑल पिन से सेट कर लेती हूँ, जो सीविंग पिन आती है ना, उससे सेट करके आसानी भी रहेगी आपको और दिक्कत भी नहीं आएगी, ये देखिए। तो चलिए ऐसे ही देखो, मेरे को बताना था आपको, एक बार मैं पूरा सेट करूंगी। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, हम यहां से उठाएंगे इसको, है ना, और ये देखो यहाँ किनारे किनारे पे जो ये सिलाई दिख रही है ना मोटी बखिया, बस यहाँ पे उसके नीचे एकदम जो टॉप है ना, धीरे धीरे यहाँ पे हम सिलाई करेंगे पूरे पे, ऐसे करते हुए सारे में, तो ठीक है, ऐसे ही बस आपने स्टिचिंग कर लेनी है पूरे की नीचे तक, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार नजदीक से भी दिखा देती हूँ, कुछ बहनें फिर बोलती हैं कि थोड़ा नजदीक से बनाया करो, ये देखिए मैंने इसको कैसे सेट किया है, ये देखो, बस आपको कुछ नहीं करना है, पिन लगा के इसको सेट कर लेना है, और बहुत ज्यादा कपड़ा अंदर नहीं दबाना है, 20 से 2 इंच के लगभग जाएगा, साइड से ये कॉर्नर पे ही आएगा, ठीक है। ऐसे करके पिन से आपको सेट कर लेना है पूरा कपड़ा, दूसरा भी ऐसे ही कर लेना, तीसरा भी ऐसे ही, सारी ऐसे सेट करके, और देखो किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो चलिए मैं इसको जोड़ के आपको फिर दिखाती हूँ पूरे को, ठीक है। सिलाई मैंने लगा ली है ना, इस तरह से ये लग गई है हमारी, देखो सब तरफ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, लेस हमने लगानी है, तो चाहो तो आप पूरे में भी ऐसे करके नीचे घेरे में लेस लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पूरे में नहीं लगाऊंगी, एक में लगाऊंगी फिर एक में छोड़ दूंगी, फिर एक में लगाऊंगी फिर एक में छोड़ दूंगी, ऐसे कर करके मैं पूरे में लेस लगाऊंगी, मतलब इसमें लगाऊंगी इस वाले में छोड़ दूंगी, फिर इसमें लगाऊंगी अगले वाले में छोड़ दूंगी, ऐसे करके किसी में लगाऊंगी किसी में नहीं लगाऊंगी, मतलब 6 पैनल में लगाऊंगी 6 में नहीं लगाऊंगी, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे नॉर्मल फोल्ड कर लेंगे बारीक बारीक। और अगर आपको बारीक फोल्ड नहीं करना है तो आप जो कॉटन के अस्तर आते हैं ना, या इस फैब्रिक के ही, सेम फैब्रिक की 2-2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। और ये देखिए ऐसे सिलाई लगाइए और पट्टियों को अंदर मोड़ के और कवर कर दीजिए, तो जैसे आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे लेस लगा लेती हूँ और नीचे का फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने लेस लगा ली है कोड़ी वाली, आप देख सकते हो ना, एक छोड़ दिया एक में लगा ली, एक छोड़ दिया एक में लगा ली, ऐसे करके पूरे में मैंने लगा ली, और ये देखो नीचे का भी मैंने बारीक बारीक फोल्ड कर लिया है ना। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे,
ठीक है, फिटिंग लगानी है वही सेम उल्टा करना है इसको, ये देखिए, और बस एक दूसरे को पकड़ना है आपने और इसमें फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए यहां से हम इक्वल करके और ये ऐसे लेते हुए हम यहां से पूरे में फिटिंग लगाएंगे, ये देखिए यहां से, और आप लेस का ध्यान रखेंगे, लेस को ऐसे ऊपर कर लेंगे और बस यहां से करते हुए पूरे में नीचे तक हम फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद इसको पहन के इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग मैंने मार ली, इसका फाइनल लुक देखिए, ठीक है, ये बेल्ट देख लीजिए, नीचे देख लीजिए बैक से, और उसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया था, इसका ब्लाउज अभी रेडी नहीं हुआ है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका ब्लाउज की वीडियो भी जरूर डालूंगी, ज्यादा ज्यादा कमेंट करना। और फिलहाल के लिए देखो मैंने ये दुपट्टा एक बनाया हुआ था, आप इस तरह के दुपट्टे भी ट्राई कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है, इसको ऐसे टैग करके भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ड्रेस, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पे जो कोर्स चला हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम।